हम सब छुपे रुस्तम का बताने नाम, क्योंकि पूरा हो गया अल्पविराम। क्या क्या बात है, तुम्हारे बीच में अपनी छोटी छोटी कविताएं लेके आए हैं कानपुर से हेमंत पांडे। हम चाहते हैं कि वो आए और अपनी कविताएं सुनाए, हम उन्हें छुपे रुस्तम की ट्रॉफी प्रदान करें और आप कहें वाह वाह क्या बात है। अपनी बात बच्चों से प्रारंभ करता हूं कि हिंदुस्तान के बच्चे कितने हाजिर जवाब हैं। जी, पिताजी ने बच्चे से पूछा बेटा बड़े होके क्या करोगे, बच्चा बोला शादी, बोला शादी के बाद किस्मत को फिरा दूंगा, बीबी को नदी में गिरा दूंगा। अच्छा, पिताजी ने पूछा क्यों, बच्चा बोला क्योंकि पिताजी बीबी घर के लिए है पिंजरे का जाल और पिताजी आप ही तो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। बड़े जवाब होते हैं। और चले सर, इस समय मैं बड़ा दुखी हूँ अपने मित्रों के कारण। जी, कि एक बार हमसे मित्र ने पूछा प्रेम का हाल, हमने कहा बहुत बेहाल। मित्र ने हमसे पूछा प्रेम का हाल, हमने कहा बहुत बेहाल। आज सुबह सुबह उससे लड़ाई हो गई, अब वो मेरी नेरे पराई हो गई, अब ना ही देखती ना ही बोलती है, सारा दिन कटी पतंग की तरह डोलती है। सारा दिन कटी पतंग की तरह डोलती है। फिर हमने मित्र से पूछा तुम्हारा क्या हाल, वो बोला जिंदगी का मजा आराम से कूट रहा हूँ, आजकल खाली हूँ कटी पतंगे लूट रहा हूँ। एक छोटी सी कविता, विषय है पत्नी की नजर में कवि। अच्छा। कवियों की इज्जत पूरे देश में होती है पर पत्नी की नजर में क्या है। स्वागत है। कि महंगाई से परेशान होकर मेरी माँ मेरी पत्नी से बोली चावल 30 में नमक 20 में, इस महंगाई में घर कैसे चलाऊंगी और 70 रुपए लीटर तेल तुम्हें कैसे जलाऊंगी। वाह वाह। इस पर मेरी पत्नी मेरी माँ से बोली माँ मैं इस महंगाई में भी पलूंगी, आपका बेटा कवि है मैं जीवन भर जलूंगी। बेटा कवि है मैं जीवन भर जलूंगी, क्योंकि ये दिन भर कुछ ना कुछ गुनगुनाते हैं, कंबक हर समय कविता सुनाते हैं। ये सोचते हैं कि इनकी पत्नी इनकी कविता पे मरती है, पर सच तो ये है कि इनकी एक एक पंक्ति कैरोसिन का काम करती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। इनके चक्कर में तो सहेलियां तक घर में नहीं आती। अरे, और जब साल दो साल में घर वालों के फोन आते हैं तो हाल चाल की जगह केवल कविताएं सुनाते हैं। बहुत बढ़िया बात है। छोटा भाई एक कविता सुनने के 100 रुपए लेता है, बड़ा भाई चुप रहने के इन्हें 500 देता है। अगल बगल वाले आजकल सदमे में रहते हैं, पड़ोसी मुझे पागल की पत्नी कहते हैं। तो हे प्रभु मेरे पति को अपने पास बुला लो, ये ऊपर उठना चाहते हैं इनको ऊपर उठा लो। हेमंत पांडे बहुत अच्छा, तुम्हारी कविता में जो सहजता है, जो कविता में सहज हास्य है, निश्चित तौर पे बहुत बहुत बढ़िया है। हेमंत पांडे आज आप छुपे रुस्तम के तौर पे यहाँ आए, और जब हम आपको छुपे रुस्तम की ट्रॉफी देंगे तो लोग कहेंगे भाई इस कवि में कुछ बात है। वाह वाह क्या आज हमारे बीच में एक ऐसे शायर को मैं बुलाना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत सारी हिंदी फिल्मों में अपने गीत लिखे, जहर में, 1920 एबल रिटर्न्स, और न जाने मदहोशी, न जाने कितने फिल्मों में उनके गीत आए, लेकिन फिल्मों में गाने लिखना अलग बात है, जब वो अपने शेर कहते हैं तो उनका अंदाज बिल्कुल अलग होता है। आज के हमारे इस एपिसोड के हमारे खास मेहमान शकील आजमी। स्वागत है। दो तीन गजलों से चंद अशार और एक नज्म खास तौर से सुनाना चाहूंगा। इरशाद। मतला यूं अर्ज किया है कि आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। क्या बात है भाई, वाह 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 बहुत अच्छे। आसमानों को जमीन से मिलाने वाले झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले, और शेर होता है कि अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। हाय 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 क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सही। पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले, शेर होता है कि जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना, जो तेरे ऐप बताता है उसे मत खोना, अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले। दो तीन शेर और पढ़ता हूँ। अपनी मंजिल पे पहुंचना भी खड़े रहना भी, अपनी मंजिल पे पहुंचना भी खड़े रहना भी, अपनी मंजिल पे पहुंचना भी
खड़े रहना भी कितना मुश्किल है, बड़े हो के बड़े रहना। हाय 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 हाय, भाई वाह वाह, बहुत बढ़िया शेर है, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, क्या बात है। कितना मुश्किल है बड़े हो के बड़े रहना भी, शेर होता है कि काश मैं कोई नगीना नहीं पत्थर होता, काश मैं कोई नगीना नहीं पत्थर होता, कैद जैसा है अंगूठी में जड़े रहना भी। हाय हाय, कैद जैसा है अंगूठी में जड़े रहना भी, भाई वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, क्या शेर है। कैद जैसा है अंगूठी में जड़े रहना भी, मसलहत से भरी दुनिया में ये आसान नहीं, मसलहत समझौता जी, मसलहत से भरी दुनिया में ये आसान नहीं, जिद भी कर लेना उसी जिद पे अड़े रहना भी, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, क्या बात है, वाह, परों को खोल, परों को खोल, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, शेर होता है कि मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है, है, क्या बात है, है, है। भाई वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। शेर होता है कि कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, कनीज यानी कि बांदी सेविका, कनीज हो कोई, कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान देखता है, आए हाय, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, ये शेर अरुण जैमिनी के लिए है भाई, क्या बात है, वाह क्या सही कहा है आपने। शेर मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आप दोनों के लिए, मैं टीवी पे देखता रहता हूँ, मुस्कुराते रहते हैं आप लोग, पूछता हूँ मैं कि जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, इतनी खुशियाँ कहाँ से लाते हो, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बढ़िया है भाई, वाह वाह वाह, मतलब यूं है कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, खरीदार की नजर में, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए, वाह 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 वाह, क्या बात है। शेर होता है कि मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, वाह वाह, मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मैंने देखा है, मैंने देखा है जो मर्दों की तरह रहते थे, मसखरे बन गए दरबार में रहने के लिए, मसखरे हो गए दरबार में रहने के लिए। शेर होता है कि अब तो बदनामी से